नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्स से रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, या मैं कह सकता हूँ एक कॉमन सवाल के साथ जो कि मेरे से अक्सर पूछा जाता है। मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इसको लेकर, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, आपको समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि BCAA क्या होता है, किसे लेना चाहिए, क्या ये लेना ज़रूरी है, क्या सभी को लेना चाहिए, क्या फीमेल्स ले सकती हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेरे को आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि BCAA क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, और दोस्तों BCAA कौन ले सकता है, और क्या ये लेना वर्थी है या नहीं है, मतलब यूज़ है इसका या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि BCAA क्या होता है। दोस्तों, BCAA मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड, जिसमें आपके तीन एमिनोज आते हैं जो कि हैं ल्यूसीन, वैलीन, आइसोल्यूसीन। दोस्तों, ये तीनों ही एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। मतलब क्या है कि ये जो तीन एमिनो एसिड हैं, इनको हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, ये हमको जो है बाहर से ही लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंटेशन से ही, ये जो है फूड में भी मिलते हैं और स्पेशली नॉन वेज जो फूड आते हैं उनमें जो है मिलते हैं। तो दोस्तों, ये होता है BCAA, मतलब हमारी बॉडी को ये बाहर से ही लेने पड़ेंगे, चाहे आप फूड से ले लो और या फिर सप्लीमेंटेशन से ले लो, सप्लीमेंट तो इसके बहुत आते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। दोस्तों, BCAA आपकी इंस्टेंट मसल रिकवरी करता है, आपकी मसल के ब्रेकडाउन होने से उसे बचाता है, और दोस्तों आपको पावर भी प्रोवाइड कराता है, और दोस्तों आपकी मसल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। दोस्तों, अगर मैं सभी एमिनो एसिड्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि BCAA एमिनो एसिड्स के सबसे ज़्यादा सप्लीमेंटेशन आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं अलग अलग ब्रांड के, और आपने जो है BCAA का नाम जरूर सुना होगा। चाहे आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रोटीन का नाम बेशक ना सुना हो, पर BCAA सप्लीमेंट का नाम जरूर सुना होगा। वो इसी कारण, क्योंकि दोस्तों इनका बहुत बड़ा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि पावरफुल रोल होता है हमारी बॉडी में या फिर मसल ग्रोथ में। तो दोस्तों, इसलिए जो है ये इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि BCAA किसे लेना चाहिए। दोस्तों, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने वाला, चाहे वो जिम करे, क्रॉसफिट करे, या फिर वो जो है ग्राउंड में एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, कुछ भी एक्सरसाइज वो करता हो, वो BCAA ले सकता है। दोस्तों, सभी जो आपके फिजिकल वर्कआउट होते हैं उसमें हमारी मसल ब्रेकडाउन होती है, बट दोस्तों BCAA का जो मेजर रोल होता है, मेजर यूज होता है, वो होता है इंटेंसिव वर्कआउट में, जिसमें हम मतलब जो है लंबा और इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, लाइक जैसे क्रॉसफिट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया, लाइक जैसे फुटबॉल हो गया, कि उसमें इंटेंसिव वर्कआउट होता है, हमारी मसल्स का लगातार यूज होता रहता है, रेस्ट उसमें कम से कम होता है। तो दोस्तों, इस तरीके के जो आप कह सकते हैं फिजिकल वर्कआउट्स होते हैं, उसमें BCAA का मेजर रोल होता है। बाकी इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मिथ होता है कि BCAA फीमेल्स ले सकती हैं, नहीं ले सकती, क्या सिर्फ जिम करने वाले लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो है ये स्पेशली हाईलाइट करके बता रहा हूं कि BCAA को कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने वाला ले सकता है और इसे फीमेल्स भी ले सकती हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि BCAA को कब लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि BCAA को कब लेना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि BCAA का लेने का वैसे कोई टाइम नहीं होता, मतलब आप इसे प्री भी ले सकते हैं, पोस्ट भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग भी ले सकते हैं, बट अगर मैं कहूं कि इसका आप मेजर यूज कब कर सकते हैं, मतलब इसका आप बेस्ट यूज कब कर पाएंगे, तो वो कर पाएंगे आप इसका ड्यूरिंग वर्कआउट में। अगर आपका लंबा वर्कआउट है, अगर आपका इंटेंसिव वर्कआउट है, तो उस कंडीशन में आप इसे एक्सरसाइज के बीच बीच में लेते रहें, ताकि ये आपकी मसल्स ब्रेकडाउन होने से बचाए, मसल्स को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए, मसल्स को रिपेयर करे, उसको जो है पावर प्रोवाइड कराए, ताकि आप बेटर तरीके से फिजिकल वर्कआउट कर सकें, या फिर अपने वो गोल्स अचीव कर सकें जिनके लिए आप इंटेंसिव और लंबा वर्कआउट करने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, जो फैट बर्निंग का जिनका गोल होता है, वो भी BCAA जो है यूज करते हैं। मेरे पास ये भी बहुत क्वेश्चन आता है
आता है कि सर मेरा फैट बर्निंग का गोल है, क्या मैं BCAA ले सकता हूँ? तो दोस्तों अगर आपका गोल है फैट बर्निंग का और आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, क्रॉसफिट भी कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, मतलब कार्डियो भी कर रहे हैं, तो BCAA आप ले सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपका वर्कआउट इंटेंसिव या फिर लंबा नहीं है तो शायद BCAA आपके लिए इतनी अच्छी चॉइस नहीं होगी। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि BCAA आपको कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और BCAA क्या होता है। तो यही आज की वीडियो बनाने का हमारा गोल था कि मैं आपको समझा पाऊं, बता पाऊं कि BCAA का क्या रोल होता है। और दोस्तों मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है कि बेस्ट BCAA कौन सा है। दोस्तों वैसे मेरे सामने सारे BCAA रखे हुए हैं। दोस्तों BCAA अगर हम बात करते हैं बेस्ट की, तो साइवेशन एक्सटेंड का नाम सबसे ऊपर आता है। काफी पॉपुलर BCAA है क्योंकि इसमें आपको जो है BCAA के साथ साथ जो है ग्लूटामीन और दोस्तों आपको सिट्रुलाइन वगैरह ये एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं जो कि एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। बाकी दोस्तों बजट की बात करें तो BCAA बजटरी में जो है अल्टीमेट न्यूट्रिशन आता है, बजटरी में मसल फार्म आता है, प्रोबस्ट आता है। या दोस्तों अगर आप बात करें कि साइवेशन एक्सटेंड के मुकाबले में कौन सा BCAA, तो मैं कहूँगा प्रोबस्ट का है, बिग मसल का स्पीड BCAA है। ये BCAA जो हैं अलग अलग होते हैं। दोस्तों आपका कितना बजट है, क्या आपको नीड है, उसके हिसाब से आप उसको चूज कीजिएगा। तो इसलिए बेस्ट BCAA की फॉर्म तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना बजट है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो यही थी कि मैं आपको बता पाऊं कि BCAA क्या होता है, क्यों यूज होता है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी होंगी। दोस्तों उसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई डाउट रह गया है या कुछ आपको पूछना है, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में उसे हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप 100% ओरिजिनल विद GST बिल, करंट इंपोर्ट टैग, फ्रेश लॉट और विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस के साथ कोई भी BCAA खरीदना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट विला का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सप्लीमेंट का ऑर्डर डालने के लिए। सप्लीमेंट विला की कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है और दोस्तों विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस, मतलब आपको कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं देना। तो दोस्तों आप जो है इस नंबर को नोटिस कर लीजिए, काफी यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की BCAA के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, तो दोस्तों आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की जो सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो होती हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों उसके अलावा ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लगे कि BCAA क्या होता है, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया कि BCAA क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।